कौन सी ऐसी दो स्किल्स हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर इन योर ट्वेंटीज। तो अगर आप अपने 20s में हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस डूड, यू आर एंजॉयिंग वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो इन दिस फेज, ये जो 20s का फेज है आपका, आई हाईली रिकमेंड दैट यू थिंक अबाउट एडिंग दीज टू स्किल्स। अगर दोनों स्किल्स आप ऐड करते हैं, और अब जब हम लेट 30s में हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये दोनों स्किल्स जरूरी है कि हमारे पास हो उस एज ग्रुप में 20s के। इससे आप अपने करियर को उड़ान दे पाएंगे, और इससे अगर सुनर और लेटर अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस में जाना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके आसपास कोई भी अगर बिजनेस में जाना चाहता है, तो आप उसमें वैल्यू ऐड कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने लिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ा कर पाएंगे। तो कौन सी है वो दो स्किल्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं दो ऐसी स्किल्स की जो मैंने अपने करियर में लेट लर्न करी, लेकिन लर्न करने की वजह से दोस्तों मजा ही आ गया। मतलब ये हुआ कि जब जॉब क्विट करनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस को ग्रो करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों स्किल्स की वजह से मैंने अपने करियर को, अपने अपने लाइफ को, अपनी अपने पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म मैं कर पाया। तो पहली स्किल तो वही है जिसके बारे में मैं दिन रात और सुबह शाम बात करता हूं, और वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, राइट? तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत जरूरी है दोस्तों, लर्न कर लीजिए। अगर आती है कि नहीं आती है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है नहीं लगता, इसको तो ऐसा चैलेंज ले लो जैसे सीए को चैलेंज लेते हैं ना बच्चे, जैसे हमने सीए को चैलेंज लिया, आप सीए को चैलेंज लेते हैं, जैसे आप इस चीज को चैलेंज लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को भी चैलेंज की तरह ले लीजिए कि लगता होगा डर, फर्क नहीं पड़ता, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, फर्क नहीं पड़ता, भूल जाऊंगा अगर सामने जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक स्किल है जिसको लर्न करना ही है, मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, आपको ये स्किल लर्न करनी है। जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, सही बोलना है, गलत बोलना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डरना नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है दोस्तों जो अगर आपने मास्टर कर ली तो 100 में से टॉप 4% ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग का गुर रखते हैं। और सोच के देखिए, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या आपकी अलग पहचान नहीं बनेगी? क्या अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपको ज्यादा लाइक नहीं करेंगे? इफ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, लाइक इफ यू आर एबल टू गिव गुड प्रेजेंटेशंस, योर बॉस वुड बी हैप्पी विद दैट, राइट? एंड यू विल बी एबल टू क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लैडर इफ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, इफ यू आर गिविंग गुड प्रेजेंटेशंस, इफ यू स्पीक विद क्लाइंट्स कॉन्फिडेंटली, इफ यू कैन स्टैंड एंड टॉक अबाउट समथिंग इन फ्रंट ऑफ 10, 20, 50, 100 people, right? So my suggestion, public speaking ko zara thoda seriously le lijiye, public speaking ke bare mein seekhiye, course attend kariye, classes attend kariye. I also have a detailed public speaking course, in case you are interested you can check out the details in the description of the video. Public speaking ek aisi skill hai dosto jo aapke career ko ek fast track growth deti hai, right? Aur isse farak hi nahi padta ki aapka background kya hai, kis course ke aap student hai. To apni 20s mein hi agar isko learn kar lenge to baad mein jo ghabrahat, baad mein jo aapko ek hesitation rahega apne 30s mein, wo nahi aayega, kyunki abhi aap jawan khoon hai, right? Abhi you are like pretty young dude and you love challenges, don't you? To ye bhi ek challenge hai jisko aap le lijiye apne haath mein, aur is challenge को बीट करके, इस चैलेंज को मीट करके मैं चाहता हूं कि आप बने एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। और आज के 8-10 साल बाद जब आप मुड़के देखेंगे तो आप कहेंगे, सर एक बेहतरीन सजेशन दिया था, वाकई काम आया। दूसरा सजेशन, दूसरी स्किल जो आपको लर्न करनी ही है अपने 20s में, स्पेशली इन दीज टाइम्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली पोस्ट पैंडमिक टाइम्स, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज डिजिटल मार्केटिंग। Absolutely. ये बहुत ही घिसा हुआ वर्ड है, isn't it? Digital marketing. जिसको देखो डिजिटल मार्केटिंग की बात करता है, तो दोस्त मान लिया जिसको देखा वो बात करता है, लेकिन कोई तो वजह रही होगी, राइट? कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आज नहीं, 5 साल बाद अगर कभी दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया टकराया, तो बिजनेस को सक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर्स। सेल्स आएगी कैसे? मार्केटिंग से। फिजिकल मार्केटिंग डेड, ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग। आपके दिमाग में आइडिया नहीं आया, आपके दोस्त के दिमाग में आइडिया आया। आप वैल्यू ऐड कर पाओगे कैसे? कैपिटल से नहीं, अपने वक्त से नहीं, डिजिटल मार्केटिंग से। आर यू गेटिंग मी? और डिजिटल मार्केटिंग अगर मान लीजिए आपके फैमिली में किसी को आइडिया आया, आपके योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीबॉडी, राइट? मैं चाहता हूं कि आप फ्यूचर के लिए आज प्रिपेयर हो,
ये सुनो, जब आप सीए कर रहे हैं या कोई भी कोर्स फॉर दैट मैटर अगर आप कर रहे हैं, तो यही सोच के कर रहे हैं ना कि आज के 5 साल बाद 6 साल बाद आपको एक अच्छी जॉब मिले, मतलब 6 साल बाद की प्लानिंग है, इसीलिए आज आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर 6 साल या 5 साल बाद की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आज ही, तो मैं कह रहा हूं कि आप उस और चीज को क्यों नहीं पैरेलल लेकर के चलें जिसकी वजह से आपकी वो डिग्री, उसकी जो डिग्री की वजह से आपको जॉब मिलेगी या जो भी काम आप करेंगे उसको एक फास्ट ट्रैक मिले, उसको एक पुश मिले। और उस पुश को देने के लिए जरूरी है ये दोनों स्किल्स जो मैंने आपसे बात करी। पहला मैंने आपसे कहा पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा मैंने आपसे कहा डिजिटल मार्केटिंग। अगर ये सलाह मान लेंगे तो आज के 5 से 7 साल बाद जो भी डिग्री ले रहे लेते रहिए, जॉब करनी है करते रहिए, मगर ये दो ऐसी कला, ये दो ऐसी स्किल्स है दोस्तों, जो अगर आपके पास रहेगी तो एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ा कर पाएंगे और करियर में ग्रोथ भी फास्ट ले पाएंगे। हो सकता है कि आपको मेरा ये दोनों सजेशंस पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या कहते हैं वो बेल आइकन दबाना, राइट, ये ना भूले। और या इन केस यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, गो चेक इट आउट, सी नितिन सोनी ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम गोना सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर सजेशंस। थैंक यू वेरी मच।